व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम जा रहे हैं अब माता मनसा देवी मंदिर। तो पहले हम सोच रहे थे रोप वे से चलें, लेकिन फिर मैंने बोला मंदिर जाना है तो चलो पैदल ही चलते हैं। और काफ़ी पास था, इतनी दूर भी नहीं था। तो काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ आपसे, तो इंजॉय करते हैं माता मनसा देवी मंदिर का रास्ता। चलिए। आपको मैं दिखाता हूँ हरिद्वार का व्यू ऊपर से। गाइस, ये सामने आपको जो नदी दिख रही है ये है गंगा मैया, गंगा रिवर। और अभी जा रहे हैं हम मनसा देवी माता। हाँ दो चल माता दे। हमने मंदिर जाते जाते एक छोटा सा शॉर्टकट अपना लिया और ये थोड़ा सा जंगल के बीच के रास्ते से मनसा देवी के लिए जो जाता है। और बहुत मज़ा आ रहा है अभी। बेशक थोड़ी थकान है बट ये माता की शक्ति है। अब देखिए ऊपर रोप वे जा रहा है, ये देखिए सामने से रोप वे जा रहा है। सो गाइस, आप जो ये देख रहे हैं ये कंदमूल है। जब श्री राम भगवान वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने वन में ये खाए थे, तो ये वाला फ्रूट है ये। सो गाइस, ये देखो लोगों ने जाते जाते पत्थरों से छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाई हैं, कुछ विशेज वगैरह होती हैं तो उनसे रिलेटेड ये बनाते फाइनली हैं। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, मनसा देवी मंदिर। जय माता दी, जय माता दी, जय। फाइनली पहुंच चुके हैं मनसा माता मंदिर। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, आगे होगा। तो गाइस, हमने मनसा देवी मंदिर दर्शन कर लिए हैं और ये नीचे हरिद्वार का व्यू है और सामने आप देख सकते हैं गंगा मैया और ये हर की पौड़ी। तो ऐसा दृश्य आपको देखने को बहुत कम मिलता है। तो आप जब भी चाहें तो मेरे व्लॉग में साक्षात गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। जय गंगा मैया, जय मनसा माता, जय मनसा माता। और मजे भी मिल रहे हैं कल वाली से। तो गाइस, आज हमने वापस घर चले जाना था तो मैंने सोचा जाते जाते टाइम भी एक बार गंगा में स्नान कर लूँ। तो मैंने फिर यहाँ पे दोबारा फिर से स्नान किया। सो गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।